मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम एंड प्रियम व्लॉग्स। एंड आज की सुबह तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हुई है। मतलब गैस तो अभी तक आया नहीं है, कल शाम को जो ख़त्म हुआ था। तो अभी प्रियम स्कूल चला गया, उसे भी बाहर से हमने ला करके टिफ़िन दिया है। एंड मैं और अजीत अभी जस्ट बाहर से आ रहे हैं, प्रियम को छोड़ने ही गए थे, स्कूल ड्रॉप करने गए थे। तो वहाँ से हमने चाय वाय भी पी लिए, तो अभी तक घर पे कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि गैस है नहीं है। एटलीस्ट 10-10:30 बजे तक हमें ऐसे ही बैठना पड़ेगा क्योंकि 10-10:30 बजे मिल जाएगा हमें, हमारा गैस मिल जाएगा। बट टिल देन हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो अभी यही है कि बाहर से ही हमने चाय वाय पी है। तो आज आप लोगों का गुड मॉर्निंग मैं किसी चीज़ के साथ नहीं कर रही हूँ, ना तो चाय के साथ, ना तो यू नो अपने कैरम सीड वाटर के साथ। आज खाली खाली गुड मॉर्निंग टू ऑल माई व्यूवर्स। आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट होम, हैप्पी एट होम, बिजी एट होम, एंड आप सबके घर का सिलेंडर फुल हो क्योंकि हमारा तो खाली हो गया है। तो अभी अजीत भाई साहब जब से कल से आए हैं तब से दौड़ भाग ही कर रहे हैं क्योंकि गैस वैस ख़त्म हो गया। रात में बाहर से खाना लाए थे हम लोग, सुबह भी अभी यही सिचुएशन है। सुबह जब भी 10-10:30 बजे सिलेंडर आएगा तब जाके बाकी खाना वाना बनाऊंगी। बट अभी तो घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। एंड अभी सिचुएशन यही है कि वी आर टोटली फ्री, मतलब मैं फ्री हूँ आज, मुझे कुछ नहीं करना है। अजीत तो जैसे लगे रहते हैं वैसे लगे हुए हैं अपना। सी से हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत मज़े किए ना उन्होंने 4 दिन, वो सारे मज़े निकलने चाहिए अभी ना। सो फ्रेंड्स, अभी जब हम लोग गए गैस वाले सिलेंडर वाले को, तो उसने उन्होंने बोला कि सेंटर पे आ जाओ, और वहाँ जाने के बाद वो लोग बोल रहे कि गाड़ियाँ नहीं निकली है, आज गैस अवेलेबल ही नहीं है, तो आज इम्पॉसिबल है गैस मिलना। तो वही जस्ट अभी 11 बजे हैं, मैं और अजीत भी आए हैं अभी, प्रियम को भी लेने के लिए जाना है 11:30 बजे, एंड हमें गैस नहीं मिला। आज का पूरा दिन भी विदाउट गैस के ही निकालना पड़ेगा। मतलब घर पे बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, चलो हम दोनों तो बड़े हैं तो यू नो किसी भी तरह मैनेज हो जाएगा, बट छोटे बच्चे के साथ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज भी नहीं मिला, तो आज दिन भर भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और यू नो कल सुबह आएगा गैस, कल सुबह उन्होंने कंफर्म किया है कि वो घर पे पहुँचा ही देंगे, बट आज तो पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। तो अब देखते आज दिन भर क्या कर पाएंगे। अभी तो मैंने चाय बनाई है सामने वाली भाभी के घर से, उन्होंने बोला कि हमारे घर पे आके बना लो आप, तो बनाया चाय वाय बनाया उनके पास में। तो अब प्रियम को लेकर के आएंगे, एंड उसके लिए फिर से यू नो आज दिन भर बाहर से ही खाना पड़ेगा। बेचारे अजीत किस मुहूर्त में आए कि जब से आए तब से गैस के लिए ही दौड़े जा रहे हैं और गैस मिला ही नहीं, एंड उनको घर का खाना अभी तक नसीब भी नहीं हुआ है। देखो इस लड़के को मैंने चोको स्प्रेड और ब्रेड खाने के लिए दिया था, इसने पूरे ड्रेस को खिलाया है। प्रियम प्रियम इस तरफ देखो, इधर देखो, प्रियम लुक एट मी, देखो अपना टावल में पोछ रहा है। ये लड़का ना, उसको वो तो खा लिया उसने, बट पूरा हैंड, पूरा टी शर्ट सब में लगा लिया, मतलब सारा टी शर्ट और हैंड सब ने खाना खाया है ना। दिखाओ इधर मुझे, चलो हैंड वॉश करने। देखो इतनी परेशानी हुई है इस बार गैस की ना, कि मैंने अजीत को बोला है कि इधर आप 2 सिलेंडर ऐड करवाओ, या तो फिर एक इंडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती है तो वो, और हमारी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, आई मीन वी मैं अजीत और प्रियम ही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट एक इंडक्शन ले लेते हैं, इंडक्शन रहेगा तो मेरे पास सारे इंडक्शन बेस्ड यूटेंसिल्स भी हैं, तो काम चल जाएगा एटलीस्ट इस तरह की इमरजेंसी पड़ेगी तो। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट मंथ या तो सिलेंडर ऐड कर लेंगे हम लोग, नहीं तो फिर एक इंडक्शन लेकर के आएंगे, जो मैंने अजीत को ऑलरेडी बोल दिया है कि आप देख लो एक अच्छा सा इंडक्शन। इस तरह के प्रॉब्लम्स, मतलब अकेले रहो तो कोई बात नहीं है, बट बच्चे के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा भी कुछ करना है तो सोचना पड़ जा रहा है। तो या अब देखते हैं कल सुबह कितने बजे तक गैस आता है। आ जाओ वन सिप पी लो, आ जाओ वन सिप, कम ऑन फास्ट। 25 इयर्स ऑफ बीइंग सेफर विद फ्लावर, ये ट्रिक यूज किया जा रहा है प्रियम को दूध पिलाने के लिए ताकि वो खेलते खेलते दूध पी ले। चलो वन मोर सिप, कम।
देखो अभी गैस आया है तो जस्ट जल्दी सब्जी बना रही हूँ। अभी मैं यहाँ भिंडी तो प्याज बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने भिंडी को और प्याज को ऐसे अनियंस को ऐसे फ्राई करके रख लिया है। इसका मसाला भी फ्राई हो रहा है। एक्चुअली अभी लेट से आया ना तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही हूँ। और देखो अभी गैस आया तो अभी क्या हुआ, ये जो मिक्सी है इसका ब्लेड ही नहीं काम कर रहा है। तो मैंने दूसरे में मसाला पीसा है अभी, मतलब दो तीन दिनों में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है एक साथ कि पूछो ही मत। तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये खाना बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी खाना वाना बन गया है। पूरे दो दिनों के बाद घर पे खाना बना है तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ करना होता था, लाइक पानी गर्म करो, दूध गर्म करो, उनके लिए भी सोचना पड़ता था। तो आज हम दोनों ने बैठ के आराम से चाय पी है, एंड दो दो बार चाय पी है और खाना वाना भी बन गया है। अब फाइनली हम लोग खाएंगे। एंड आज मैंने वो भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी सूट नहीं करी क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना था। तो अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं दूसरे व्लॉग में शूट करके और दे दूंगी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सो अभी मुझे एक शॉर्ट्स के लिए भी सूट करना है, तो पहले हम लोग खाना वाना खाते हैं फिर वो शॉर्ट्स सूट करूंगी। और अजीत को आए हुए अभी दो दिन भी नहीं हुए हैं एंड इनका दूसरे जगह जाने का प्लानिंग हो गया है। भाई साहब कहाँ कहाँ जाएंगे अब, नेक्स्ट टूर कहाँ रहेगा आपका? उसके बाद आप क्या बोल रहे थे, चंद्रयान कहाँ जाएंगे? अच्छा, इनका अजीत का प्लानिंग ऐसा है कि अब नेक्स्ट टूर जॉर्जिया रहेगा इन लोगों का। तो क्या कितने कितने कंट्रीज है और कैसे आप बोल रहे थे कि कैसे घूमेंगे? 16 साल में घूमेंगे। अच्छा 208 कंट्रीज है, 16 साल में उनका टूर हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो टूर रहेगा वो चंद्रयान के लिए रहेगा, है ना? मतलब चंद्रमा के लिए रहेगा, फिर वापस नहीं आना है। वाह क्या ही, मतलब कब यार, 16 साल कैसे वेट करें, अब भी जाओ आप। सो अजीत जा रहे हैं चांद पे चंद्रयान के साथ। अभी वो जो 16 साल बाद जो चंद्रयान लॉन्च होगा ना इंडिया की तरफ से, इसरो में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, मेरे हस्बैंड को जरूर लेकर के जाना। तो रेडी आप चंद्रयान पे जाने के लिए? भाई साहब इनको भी जाना है, नहीं आपको मैं नहीं जाने दूंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली ये हो रहा है हमारा आज का लंच, और ये मैंने घर पे पंजाबी स्टाइल कड़ी चावल बनाया है जो बहुत टेस्टी बनी थी। अच्छा इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में शूट करी है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो फ्रेंड्स अभी हमने मैंने अजीत ने प्रियोम ने सबने खाना वाना खा लिया है एंड मुझे अभी एक शॉट के लिए सूट करना है तो मैं अभी रेडी होंगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अजीत ने वहाँ बाकू अजरबैजान में क्या क्या किया, वो कंट्री कैसा है। ऑल्दो कंट्री के बारे में तो अजीत ने बताया कि कंट्री थोड़ी एक्सपेंसिव है, लाइक यहाँ का 49 रुपीज़ वहाँ 1 रुपीज़ के बराबर है। तो कंट्री तो एक्सपेंसिव थी बट अजीत ने बोला कि वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत है एंड कंट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक यूरोप वाली टच है उसमें, बिल्डिंग्स वगैरह जो है, मार्केट प्लेसेस बहुत अच्छे थे। बट अजीत लोग को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला एक्सप्लोर करने का, बट जो भी जो भी प्लेसेस वो लोग गए वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। वहाँ का विलेज टूर भी किया उन्होंने लेकिन वहाँ लाइक शूट करने नहीं मिला। तो मे भी हो सकता है कि विलेज एरियाज को रेस्ट्रिक्टेड रखते होंगे। तो या मैं अभी आप लोगों के साथ वो सारी क्लिपिंग शेयर करूँगी जो अजीत ने वहाँ एक्सप्लोर करी है एंड कंट्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी एंड एक एक चीज़ वहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ कि खैर आउट ऑफ इंडिया तो सब आपको साफ़ सुथरी जगह ही मिलेगी, तो और वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मुझे वहाँ की बाकू की बिल्डिंग्स वगैरह बहुत पसंद आई, अजीत लोग जिस होटल में रुके थे या जो एरिया था, जो पासवे था जहाँ से अजीत लोग सब जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए आई थिंक। तो और शॉपिंग के लिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो अजीत ने बस जल्दी जल्दी में यही ली, और उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें बहुत महंगी थी तो मतलब नहीं बनता, यहाँ इंडिया में भी ऑलरेडी मिल ही जाती है
तो बस इतना ही वो लेकर के आए थे। तो ये भी जो लेकर के आए बहुत अच्छा लगा, चॉकलेट्स बहुत अच्छे थे एंड मुझे मेरा बैग बहुत पसंद आया एंड प्रियोम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो यार चलो अभी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बाकू के एक छोटे से टूर पे जो जो अजीत ने सूट किया है। अच्छा ये दोनों साइज में आपको मिलेगा, लाइक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में, क्योंकि अजीत ने दोनों वे में सूट कर लिया है। सो यार चलिए लेट्स गो टू वर्चुअल टूर ऑफ यू बाकू के एक छोटे से एक्साइटिंग टूर पे। सो चलो आगे की सारी क्लिपिंग्स अजीत कौन से होटल में रुके थे उनके रूम का एंड एवरीथिंग विल बी इन द डिटेल्स। तो चलो लेट्स गो।
सो फ्रेंड्स, मैंने अभी बोला था ना कि मुझे एक शॉर्ट्स शूट करना है, वो शूट करते करते मैं पूरा भीग गई। बारिश हो रही है बाहर और बाहर बारिश में ही मैंने टेरेस पे शूट किया है, एंड शूट करते करते पूरे कपड़े भी भीग गए, मैं भी भीग गई। बस तो वैसे शूट तो हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। तो ये शॉर्ट्स का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक करना। एंड मैंने जो कढ़ी बनाई थी वो रेसिपी भी मैं नहीं शेयर कर पाई, तो वो भी रेसिपी की शॉर्ट्स मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अच्छा है। एंड या आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये पूरा साड़ी एंड मेरा मेकअप लुक देखना है तो आप वो शॉर्ट्स ज़रूर देखना। एंड ये मेकअप लुक चाहिए होगा तो मैं दोबारा से क्रिएट कर दूंगी, बट आज पूरा बारिश में भींग गई हूँ तो उस वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाई, बट ऐसा लुक मैं दोबारा भी क्रिएट करूंगी, मुझे भी बहुत पसंद आया है। सो या आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो ओके, मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू रियली गुड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस, और मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।